मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के राजभवन का घेराव करने पहुंचे। जवाहर चौक में एकत्रित होकर सभी पैदल मार्च करते हुए राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। घेराव के लिए इंदौर से भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में भोपाल के लिए रवाना हो गए। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में और देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी मैदान संभाल चुकी है। कई स्थानों पर ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसी आज राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करेंगे। राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित प्रदेश और जिले से आए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल है। इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। बताया विनय बाकीपाल जी, आज भोपाल में क्या कार्यक्रम है? आज भोपाल में किसानों के समर्थन में जो काला कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समस्त मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के साथी राजभवन का घेराव करेंगे। इंदौर से हम सैकड़ों की संख्या में भोपाल जा रहे हैं और वहाँ पर जो रैली और प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।